नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स की चित्रकूट धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं अनुसुईया मंदिर में, जो चित्रकूट से थोड़ा दूरी पर स्थित है। दोस्तों बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ पर और सामने मंदाकिनी जी बह रही हैं। तो दोस्तों अनुसुईया मंदिर इसलिए भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को बालक स्वरूप बना लिया था। एक और महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहते हैं, इसी स्थान पर माता अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। तो दोस्तों चलते हैं माता अनुसुईया के मंदिर के दर्शन करते हैं। जय चित्रकूट धाम की। दोस्तों हम आ चुके हैं चित्रकूट धाम के अनुसुईया मंदिर में, जो चित्रकूट से लगभग 22-23 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों मंदिर के शुरुआत में बहुत ही सुंदर बाजार है और किनारे पर आप देख सकते हैं अनुसुईया माता प्रवाहित हो रही हैं। तो दोस्तों हम बड़े चलते हैं मंदिर की ओर और किनारे आपको लेटी हनुमान जी मिलते हैं और आगे बढ़ने पर बहुत ही सुंदर बाजार मिलता है आपको दोस्तों, और आप दोनों तरफ बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं कि लकड़ी के आपको डिफरेंट टाइप के आपको आइटम यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देखिए कितनी भरी हुई दुकानें हैं और यहाँ देखिए आपको लकड़ी के आइटम दिखा रहे हैं आपको, ढोलक, बच्चों के खेलने की आइटम, किचन के आइटम और घरेलू उपयोगी आइटम। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अनुसुईया माता के मंदिर के दरवाजे पर। आप देख सकते कितना भव्य यह रथ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का, और उसके जो घोड़े हैं अपने पीछे के दोनों पैरों पर खड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कितनी सुंदर यह गीता के समय की यह अद्भुत झांकी, और आगे से आपको सभी सातों घोड़े दिखा रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से। और बगल में आप देख सकते हैं कितना भव्य और विशाल मंदिर आप देखिएगा। यह मुख्य मार्ग है, वो कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले इस घंटे को बजाया जाता है। यहाँ मैसेज भी लिखा है, श्री अत्रेश्वर महादेव ओम बोलते हुए एक बार घंटा बजाएं, जिसका नाम है विजय घंट। तो दोस्तों हमने घंटा बजाया, उस शंखनाद करके, घंटा का नाद करके अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर की ओर। कितनी सुंदर सीढ़ियां हैं, माता के मंदिर को प्रवेश हम कर चुके हैं। यह शुरुआती यह हॉल है और हॉल से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर परमहंस महात्मा जी की समाधि है। तो हम महात्मा जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। कितनी सुंदर समाधि महाराज जी की समाधि, और पीछे उनकी यह सुंदर फोटो भी लगी हुई है। तो दोस्तों दर्शन कीजिएगा महात्मा जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं माता के मंदिर की ओर। महात्मा जी ने हमको इशारा किया मंदिर जाने का रास्ता, यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है माता सती अनुसुईया का मंदिर, और हम मंदिर, हमारे साथ में आजान भोज हैं, शिवम पांडे हैं, उनकी माता जी हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर हम प्रवेश कर चुके हैं। यह है, आप देखिएगा सुंदर यह चित्रण के, आप देखिएगा कि सामने भैंसे पर सती सावित्री की यह सुंदर झांकी कि यमराज उनके पति को ले जा रहे हैं और सती सावित्री माता उनसे अपना पति ले रही हैं। आगे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मालावती माता सती और अपने पति को गोदी में बिठाए हुए हैं और महात्मा जी से आशीर्वाद ले रही हैं। ऋषि नल, राजा नल हैं ये, और आपको दिखा रहे हैं उनकी बगल में ये लेटी हुई हैं, पत्नी लेटी हुई है सती माता। और आपको बताना चाहते कितना सुंदर यह मंदिर अनुसुईया माता का आपको दिखा रहे हैं। नीचे की ओर देखिएगा सती दमयंती और राजा नल आप देख सकते हैं, और सती बेहुला, आप देखिए सती बेहुला अपने पति के
को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं और जब तक उनका के पति जीवित नहीं हो जाते तब तक इंतजार करते हैं, यहाँ तक कि उनके पति का शरीर हड्डियों का ढांचा रह जाता है। और कहा जाता है जो उनके सामने खड़ी हुई हैं, कहा जाता है धोबिन से वह अपने पति की चरायु का आशीर्वाद लेती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं चवनृषि, और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमाएं विराजमान हैं और उनके ठीक बाजू में पद्मावती जौहर ज्वाला सी, आप देख सकते हैं अपने सतत्व की रक्षा के लिए पद्मावती महारानी ने जौहर किया था, अर्थात जलती चिता में अन्य महिलाओं के साथ कूद गई थी, जिसको जौहर बोलते हैं। रानी पद्मावती जौहर ज्वाला सी, किसी ने क्या खूब कहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं माता अनुसुईया के पिता कदम ऋषि, माता देवी होती नौ बहने। आप देखिएगा कामधेनु माता को दोहती हुई माता, और आप बगल में उनके माता पिता ऋषि विराजमान हैं, और कितना सुंदर चित्रण गौ माता भी हैं, और कामधेनु माता, सती माता, इस प्रकार आगे बताते हैं। अत्रि मुनि के साथ अनुसुईया का विवाह, ब्रह्मा जी द्वारा कन्यादान, ब्रह्मा जी विराजमान है ठीक बाजू में सती अनुसुईया माता, और सामने अत्रि ऋषि जिनके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ, और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका कन्यादान लिया। तो दोस्तों आगे हम दिखाते हैं पति की आज्ञा पाकर अनुसुईया का मंदाकिनी गंगा अवतरण। तो देखिएगा मंदाकिनी तपो माता अनुसुईया के तपोबल के कारण ही मंदाकिनी माता का अवतरण हुआ है। तो देखिए कितना सुंदर यह है चित्रण, माता मंदाकिनी पृथ्वी पर अवतरित हो रही हैं, और यह सब सती माता के तपोबल का परिणाम था, प्रताप था। आप देखिएगा यह सुंदर चित्रण, मूर्तियों का यह सुंदर चित्रण चित्रकूट धाम के अनुसुईया माता मंदिर में स्थित है। तो आप देखिएगा कितना सुंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश पीछे माता के विराजमान हैं, और यहाँ पर कितना अच्छा प्राकृतिक यह दृश्य, हिरण दौड़ रहे हैं, सूरज निकल रहा है, नदी बह रही है, और नारद जी भी वीणा बजा रहे हैं, नारायण नारायण कर बोल रहे हैं, और यह सुंदर चित्रण यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे सुख की अनुभूति हो रही है दोस्तों यहाँ पर आने पर। और आप देख सकते हैं सती नर्मदा कुरु दुत्सव ऋषि, और देखिएगा बहुत अच्छा लग रहा है, विष्णु और शंकर भगवान ब्रह्मा जी माता के पीछे विराजमान है। आगे चलने पर अवधूत परमहंस जी महाराज की यहाँ पर समाधि, तो हम महात्मा जी के चरणों में दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप देखिएगा राधा कृष्ण की कितना सजीव चित्रण, ऐसा लगता है कि साक्षात राधा कृष्ण विराजमान हो सामने राम दरबार। और यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारे ऋषि मुनि विराजमान हैं, और उनके शिष्य भी विराजमान हैं, और राजा भी हैं, बहुत बड़ी सभा लगी हुई है यहाँ पर मुनियों की। और तो दोस्तों अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं माता अनुसुईया के मंदिर में। दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, सामने माता अनुसुईया है और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश बालक के रूप में झूला झूल रहे हैं, माता बगल में अनुसुईया विराजमान है, माता के चरणों में साष्टांग नमन। और तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कितना सुंदर यह आश्रम, छोटी सी गुफा है, गुफा में अब हम प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे हम गणेश जी महाराज को हम दर्शन होने वाले हैं गणेश जी महाराज के। और देखिएगा कितने सुंदर, और देखिए ऊपर देखें आप शेर है और गणेश जी महाराज, और आगे एक पेड़ है जो हाथ से बनाया गया असल, और जिसमें आम के फल लगे हुए हैं और बंदर आम खा रहे हैं। और देखिए ऋषि मुनि विराजमान है यहाँ पर, कितना सुंदर चित्रण। दोस्तों अगर आप
चित्रकूट धाम आते हैं तो यह इतना सुंदर और साक्षात मूर्तियों की यह मंदिर अनसुईया मंदिर आना ना भूलें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर मंदिर, अंतिम यह है, लास्ट का यह हॉल है, देखिएगा इसके ठीक बाद हम मंदिर के बाहर निकल सकते हैं। यह हॉल देखिए कितना सुंदर बड़ा हॉल है और यहाँ कितने बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं जिनके तो रात में प्रकाशित होंगे तो अलग ही अद्भुत छटा फेंक बिखेरते हों। दोस्तों चित्रकूट धाम यात्रा में अनुसुईया मंदिर के दर्शन कर आपको आनंद आ गया होगा। दोस्तों सबसे पहले हमने तो माता के दर्शन किए और बहुत सुंदर सुंदर जो सजीव जो मूर्तियां हैं, सजीव चित्र हैं, उनके दर्शन किए और आपको बताना चाहते हैं सामने मंदाकिनी माता जो प्रवाहित हो रही हैं उनके दर्शन किए और मंदाकिनी माता के किनारे पर जो कुछ बंदर हैं उनको अपने हाथों से चने खिलाए, आप तो दोस्तों मज़ा आ गया है। और जो कुछ दुकानें हैं वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की है। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ, आप सभी को सादर वंदे मातरम, जय जय श्री सीताराम, जय चित्रकूट धाम की जय।